अलैकुम सेवन्थ क्लास, आज हमने करना है दुआ की फजीलत और अहमियत का मश्क पूरी करनी है। खाली जगह पुर करें। दुआ के लफ्जी मायने डैश के हैं पुकारना। हर मुश्किल में डैश को ही पुकारना चाहिए अल्लाह ताला। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान डैश की तरफ रहे, अल्लाह ताला की तरफ रहे। जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो इसका डैश देता है अजर। उसके बाद देखें, असल हाजत रवा और डैश अल्लाह ताला ही है कारसाज। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। अल्लाह ताला के मकबूल बंदे और पैगंबर आखिरत में कामयाबी के लिए क्या अमल करते थे? दुआएं करते थे, दुआएं देते रहते थे, दुआएं मांगते रहे, दिन रात जागते रहे, जंग करते रहे, तो क्या आएगा? दुआएं मांगते रहे। कुरान मजीद में किन की दुआओं का जिक्र है? अम्बिया, अलिया, शहदा, सिद्दीकीन, तो क्या आएगा? अलिया। किन हालात में अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए? सिर्फ़ मुश्किल हालात में, सिर्फ़ सफ़र के दौरान, सिर्फ़ खुशहाली में, हर किस्म के हालात में, तो क्या आएगा इसका आंसर? हर किस्म के हालात में। नेक्स्ट देखें, लफ्ज़ी एतबार से दुआ के मायने क्या हैं? तलब करना, पुकारना, दौड़ना, हर्ज करना, तो क्या आएगा? पुकारना। दुआ मांगने के अदाब में शामिल हैं अल्लाह ताला की तरफ ध्यान, साफ़ सुथरे कपड़े, कीमती लिबास, पुरसकून माहौल। नहीं तो क्या आएगा इसका? अल्लाह ताला की तरफ ध्यान। इसके बाद रिटर्न वर्क देखें आपने क्या करना है। लेक्चर नंबर 16 डे मंगल और डेट मेंशन करने के बाद आपने राइट करना है दुआ की अहमियत और फजीलत। खाली जगह पुर करें। पूरी खाली जगह आपने राइट करनी है। दुआ के लफ्जी मायने डैश के हैं पुकारना। हर मुश्किल में डैश को ही पुकारना चाहिए अल्लाह ताला। दुआ करते वक्त पूरा ध्यान डैश की तरफ रहे, अल्लाह ताला की तरफ। जब कोई अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो इसका डैश देता है अजर। इस तरह आपने इसका नीट सा रिटर्न वर्क करना है और ये याद भी करनी है।